हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जो होते हैं, इनका जन्म आखिर होता क्यों है, क्या होते हैं ट्विन फ्लेम, क्या होता है इनका सोल पर्पस, क्यों आते हैं ये इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पर, और इतना पेन बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। जोनसी सोल जो दो बॉडी पार्ट्स में डिवाइड होती है ट्विन फ्लेम की, जोनसी सोल अवेकन होती है, वो अन अवेकन सोल को ट्रिगर कर करके क्यों उसको इतना पेन देती है, इस वीडियो में ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होती है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, जो आपकी पास्ट लाइफ होती है, उसमें आपने कुछ और सत्कर्म किए होते हैं, बहुत ज़्यादा आपने बहुत पुण्य कर्म किए होते हैं, जिनसे आप आज इस जर्नी पे आए हो। और ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा बने हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती। इसको जब दोनों आत्माओं का मिलन हो जाता है, सोल तो एक ही होती है जो दो बॉडी पार्ट में डिवाइड होती है, जब उनका मिलन हो जाता है तो वो सीधा मोक्ष प्राप्त कर लेती है। ट्विन फ्लेम वो एक सोल होकर उस ईश्वर में, उस परमात्मा में लीन हो जाती है, और बार 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 इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाती है। ये होती है ट्विन फ्लेम का पर्पस। अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम क्यों एक दूसरे को दर्द देते हैं। देखिए, जब दो पार्टनर एक होते हैं तो शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा होता है, जाने अनजाने सब कुछ सही चल रहा होता है, बट धीरे धीरे ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाती है। इस जर्नी में एक पार्टनर तो हमेशा कमिटमेंट करने से भागता है और दूसरा उससे कमिटमेंट मांगता रहता है, बट मांगने वाले को कमिटमेंट नहीं मिलती और वो पार्टनर धीरे धीरे पेन में जाना शुरू कर देता है, दर्द में जाना शुरू कर देता है। जोन सा पार्टनर ट्विन फ्लेम अवेकन सोल है, जिसका आधा पार्ट अवेकन है जिस सोल का, वो आपके मास्कुलाइन हो सकते हैं, आपके फेमिनाइन हो सकते हैं, वो सोल आपको बार बार ट्रिगर करती है, बार बार ट्रिगर कर करके आपकी सारी कमियों को दूर करती है। आपके अंदर कहते हैं ना, एक निमित्त मात्र भी आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ती, आपको एक डिवाइन सोल बनाकर छोड़ती है। आपको इतना पेन देती है कि ना एक चींटी भी जा रही होती ना, उस चींटी, क्या बोलूँ, चींटी तो यार एक मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये भी, आप सोच भी नहीं सकते किसी को हल्का सा भी पेन देना। आप इतने प्योर हो जाते हो, आप सबको अच्छा ही अच्छा करोगे, सबकी भलाई के बारे में सोचोगे, जैसे दिव्य स्वरूप आत्मा आपको बनाकर छोड़ते हैं आपका काउंटर पार्ट जो अवेकन है, आपको दर्द दे देकर। आप जब भी उनसे उम्मीदें लगाएंगे वो आपकी उम्मीदों को तोड़ेंगे, आप टूट करके बिखरोगे, बिखर करके दर्द में, तकलीफ में, बहुत ज़्यादा पेन में रोओगे, और रो रो कर गिड़गिड़ा कर उस परमात्मा पर फिर आप सरेंडर करोगे कि हे ईश्वर, ठीक है,
अब सब आपके हाथ है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। अब आप ही हैं, जो भी कुछ करेंगे वो आपके ही हवाले हैं। फिर धीरे 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 आप सेल्फ लव में आते हैं, इनर वर्क करना शुरू करते हैं। आप मेडिटेशन, योगा आदि जब करना शुरू करते हैं तब आपकी इनर वर्क आपका होता है, फिर आपकी सोल पावर में आती है, फिर आप सेल्फ लव में आते हैं। आप सेल्फ लव में आते हैं, प्योर हो जाते हैं, आप डिवाइन हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन आपके अंदर इतना आ जाता है, आप आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं और आपका जो मास्कुलाइन है या फेमिनाइन जो भी है, जो सोल अवेकन है, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। बट अगर आपकी एनर्जी फिर से लो होती है, आप किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव होते हैं, तो फिर से आपका इनर वर्क फेल हो जाता है। तो आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कोशिश यही करनी है कि आप बिल्कुल बिल्कुल हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करें, हाई फ्रीक्वेंसी में रहें, एकदम से हाई रहें, आपके वाइब्रेशन हाई रहे, सेल्फ लव करते रहें, इनर वर्क करते रहें। जब तक आप ये करते रहेंगे तो आपकी वाइब्रेशंस लो नहीं होंगी और आपका पार्टनर से आपको खूब मान सम्मान, प्यार, रिस्पेक्ट मिलेगा। बट अगर आपने इसका उल्टा किया, आपने पार्टनर से ज़्यादा उम्मीदें रखी, किसी के लिए नेगेटिव बोला, नेगेटिव किया, कुछ भी, एक चिट्ठी जितनी नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में आएगी ना, वहीं से आपकी सारी की सारी इनर वर्क जो आपने किया था सब फेल हो जाएगा और आप तंग होंगे, परेशान होंगे, फिर से वही सिचुएशंस होगी, आपका जो ट्विन है वो आपसे दूर भागेगा और आप फिर से उसी पेन में आ जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको हायर डायमेंशन में अपने आप को रखना है, हायर सेल्फ में अपने आप को रखना है, हमेशा उस ईश्वर का शुक्रिया करते रहना है, उस परमात्मा का शुक्रिया करते रहना है, अपने आप को धन्यवाद करते रहना है, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करते रहना है, उस ईश्वर का शुक्रिया 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 मेरे भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया करते रहना है। जैसे आप शुक्रिया 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 करते हैं तो आप हाई डायमेंशन में रहते हैं, उस परम पिता परमात्मा को आप प्रेम पूर्वक, आप अनंत प्रेम करें उस ईश्वर को। जैसे ही आप उस ईश्वर के प्रेम में पड़ते हैं, आप उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, तब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। और यही इस ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद है कि आप उस परमात्मा का साक्षात्कार करें, आपको पता चले आप इस इंसानी शरीर में आकर अपने आप को इंसान समझकर कोई भी गलत कृत्य गलत कार्य ना करें, आप सदैव अच्छे मार्ग पे चले, नैतिकता के मूल्यों पर आधारित रहे, दैवीय शक्ति है आप, आपकी आपका जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और अंत समय आपका आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। आप इतनी पवित्र और डिवाइन सोल हैं, आप सोच भी नहीं सकते। भगवान ने आपको ऐसे ही नहीं भेजा, आपने आपके पास्ट कर्मा बहुत प्योर और बहुत पवित्र है, तभी आज आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा बने हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होती है। आजकल लोगों ने ना नेट पे पता नहीं क्यों इतने फेक वीडियोस बना बना के डाले हुए हैं ट्विन फ्लेम के बारे में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी हर एक के लिए नहीं होती, बहुत कम लोग इस जर्नी का हिस्सा होते हैं क्योंकि जर्नी बहुत पेनफुल होती है, इंसान को बहुत ज़्यादा तोड़ती है, मरोड़ती है, बिखेरती है। फिर उसके जीवन में जब वो हाई डायमेंशन में होता है तब उसके लिए यूनिवर्स उसके द्वार खोलती है, और जब उसके यूनियन का, वो देखिए उस ईश्वर को ही पता है वो किस तरीके से यूनियन कर पाएगा ट्विन फ्लेम की, क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं, नेगेटिविटी आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, वाइब्रेशन लो होती रहती है। बट यस, जैसे जैसे हम ये चीज़ें सीखते हैं ना, तो हमें अपने लाइफ को जीना आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि लाइफ जीने का फॉर्मूला क्या है। जैसे पहले पेन में रहते थे वो चीज़ें नहीं होती हैं, आपको जब जीने का जीवन जीने का जब आपको फार्मूला पता लगता है तो आप वो फार्मूला अप्लाई करके आपको फिर से अपने आप को हाई डायमेंशन में रख सकते हैं और अपने डिवाइन मास्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं हायर डायमेंशन में जाके,
जब आपके अंदर की ऊर्जा बैलेंस होती है तब आपके डिवाइन फेमिनाइन और आपके डिवाइन मास्कुलाइन की भी एनर्जी अपने आप से बैलेंस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप एक ही सोल के दो पार्ट हैं, है ना, समझ रहे हो ना, एक ही सोल के दो पार्ट है। जब आप बैलेंस होते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ से बैलेंस होता है। आप ये भी देखेंगे ट्विन फ्लेम में कि एक दूसरे की थॉट्स को बहुत ज़्यादा कैच कर लेते हैं, एक दूसरे की माइंड को पढ़ लेते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हैं और आप एक ही सोल हैं, दो बॉडी में आप हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। और बहुत बातें हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। इसका मेन पर्पस है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि अंत समय में आपको परमात्मा का साक्षात्कार होकर उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाना है और दोबारा से इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाना है। इसका मेन पर्पस यही है। और जब तक आपका पार्टनर आपको ट्रिगर नहीं करेगा, तब तक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि आप इसको सोचिए, जब आपको कोई भी चीज़ इजीली अगर मिल जाएगी, बगैर प्यार अगर आपको इजीली मिल जाएगा, धन दौलत पैसा मान सम्मान अगर आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप क्यों किसी चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, आपके अंदर कितना अहंकार कितना ईगो आ जाएगा। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होती, आपकी ईगो को बार 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 तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, आपको बिखेरा जाता है और आप टूट टूट कर खड़े होते हैं। और फिर आपकी जर्नी की शुरुआत होती है कि मैं कौन हूँ। आपका जब अहंकार टूटता है तब आप अपने सोल के मिशन पर जाते हो, तब आप पता करते हैं कि मैं कौन हूँ, तब आपकी सोल जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ, तब ये जर्नी की शुरुआत होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की शुरुआत होती है। आपका काउंटर पार्टी आपको बार बार ट्रिगर करता है और यही स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही आपको ट्विन बनाकर भेजा है। आप कोई आम सोल नहीं हो, ट्विन सोल को इसलिए बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करना पड़ता है ताकि आपकी इनर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।